मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति गणराज और आज मैं आपको कलमेश्वर रोड से काटोल बाईपास तक की पूरी ट्रैवल जर्नी दिखाने वाली हूं, जो हमारा न्यू फोर लेन रूट डेवलप हो रहा है। इसी का क्या कुछ अपडेट है वो आज की इस वीडियो में पूरा कवर होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिए और बीच में स्किप मत कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये रोड कलमेश्वर रूट है। अगर आप गोरेवाड़ा साइड से होते हुए आते हैं तो आपको ये रूट मिलता है और यहाँ पे फिलहाल कंस्ट्रक्शन चालू है फोर लेन रूट का, जो कि हमारा यहाँ पे बनने जा रहा है। और दोनों साइड से आप देख सकते हो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। सो ये रोड फ्रेंड्स सीधा जाता है हमारा बाईपास काटोल। तो आज पूरा एंड तक के मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जहाँ पे टच करता है बाईपास काटोल को वहां तक के। और ये रूट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स काटोल नाका से। काटोल नाका से अभी न्यू फोर लेन रूट डेवलप हो रहा है, जो काटोल तक की जाने वाला है। दोनों साइड में देख सकते हो वर्किंग प्रोसेस अभी फिलहाल चालू है। सो बीच में से ये रास्ता है और दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी दूरी पे काम की स्टेप बाय स्टेप पूरी हुई है और चालू भी है। बीच बीच में जहाँ पे जैसे कि कोई नाला आ रहा है या फिर कुछ पानी का सोर्स है, वहाँ पे सिर्फ प्रोसेस रुकी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड में काम टोटली लगातार बहुत ही स्पीड से काम चालू है। आई थिंक मैं एक डेढ़ महीने पहले यहाँ से ट्रेवल कर चुकी हूँ, बट तभी यहाँ पे कोई ऐसी अपडेट नहीं थी। बट रिसेंटली डेढ़ महीने में इतना काम हो गया है, दैट मीन्स काम बहुत ही ज्यादा फास्ट यहाँ पे चालू है। जैसे कि हमारा उमरेड का रोड जैसे डेवलप हुआ है बहुत ही जल्दी, वैसे ही ये रोड भी बहुत जल्दी बन के रेडी होने वाला है फ्रेंड्स। तो हम नागपुर से लेके काटोल तक की इजिली ट्रेवल कर पाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ईजी जाने वाला है इस रूट से। फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हो, चैनल को भी विजिट कर रहे हो, बट फ्रेंड्स आप में से 90% लोगों ने स्टिल अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिज भी बनने जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही दिनों से पेंडिंग में था, बट अभी देखो कितना फास्ट ये वर्किंग प्रोसेस में है। यहाँ इस ब्रिज की लैंडिंग और स्टार्टिंग दोनों भी यहीं से है फ्रेंड्स। वर्किंग प्रोसेस कहाँ तक की आई है इस रूट की अगर हम उसकी बात करें, सो फ्रेंड्स जैसे कि हम कलमेश्वर रूट पे आते हैं हमारे गोरेवाड़ा साइड से, आपको वहाँ पे हनुमान मंदिर दिखेगा जो कि बहुत ही फेमस है, और वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है फिलहाल। और जो आगे फिर कंटिन्यू करेगा हमारे काटोल नाका तक के, वो तो इन फ्यूचर की बात है, पर फिलहाल अभी हनुमान मंदिर से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। वीडियो में मैं कलमेश्वर से ब्राह्मणी फाटा होते हुए जैसे आऊंगी तो उसमें आपको ये ब्रिज का पूरा अपडेट दूंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। सो इस वीडियो में हम काटोल बाईपास तक के ट्रैवल जर्नी करेंगे हमारी, और दोनों साइड में क्या कुछ फोर लेन रूट का प्रोसेस है अभी फिलहाल वो देख लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ इस पॉइंट से रूट जो है वो वन साइड टोटली लेफ्ट साइड पे बनने वाला है फ्रेंड्स। राइट साइड में कोई फोर लेन रूट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड से होने वाला है जहां से अभी फिलहाल मैं ट्रेवल कर रही हूँ। तो
सो आप देख सकते हो अभी तक के फिलहाल जैसे हम पीछे से ट्रैवल करते हुए आए, सो दोनों साइड में वर्किंग प्रोसेस थी, बट यहाँ पे इस स्टेज से आप देख सकते हो सिर्फ एक ही साइड में वर्किंग प्रोसेस चालू है। सो यहाँ पे ये रोड जो चौड़ा हो रहा है वो आप देख सकते हो, और ये जो हमारा फिलहाल जो अभी रोड चालू है उसको ये कनेक्ट करने वाला है बहुत ही जल्द। छोटे छोटे जो यहाँ पे पानी की सोर्सेस है, नाले है, उनको ये कवर करने के लिए आप देख सकते हो इस तरीके के पूरे बनाया हुआ है, इसके ऊपर से ये रूट कंटिन्यू होने वाला है। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे यहाँ पे दोनों साइड में खेती का वर्क वगैरह है तो उनको पानी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पानी का रूट टोटली बंद नहीं किया है इन्होंने। That's all about my today's video. I just hope so friends, आपको ये कार्टोल बाईपास का अपडेट अच्छा लगा हो। So don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you soon on the next video.